press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. आज हम मटन का खिचड़ा बना रहे। पहले चिकन का खिचड़ा बनाए हैं, अभी हम मटन का खिचड़ा बना रहे। इसमें से 2 चम्मच तेल डालेंगे। ये 1 कप भर के मूंग की दाल है, 1 कप मसूर की दाल है, 1 कप तुअर की दाल है, 1 कप गेहूं है। हमारे पास जव नहीं है, सफेद जव है वो नहीं है, तो हमने गेहूं लिए हैं, रात को भिगा के रखे, आपको ये दिखा रहे। और ये चने की दाल 1 कप, 1 कप उड़द की दाल है, 1 कप चावल है अभी। और ये गोश्त है, ये गोश्त 1.5 किलो गोश्त है, ये हड्डी भी है इसमें और ये भी है गोश्त भी है। और ये देखो ये मटन मसाला है 1 चम्मच। स्वाद अनुसार नमक लेंगे, हल्दी 1 टीस्पून हल्दी लेंगे, और ये जीरा है, ये बड़ी इलायची है, ये काली मिर्च है, ये लौंग है, ये छोटी इलायची है, ये दालचीनी है। हमने पूरा गरम मसाला लिए हैं। और ये 4 प्याज को चॉप करके लिए हैं, और 4 प्याज का हम बिरिस्ता किए। 1 कप पुदीना लेंगे और 1 प्याली भर के कोथमीर लेंगे। ये मिर्ची अपने हिसाब से लेंगे, ये मिर्ची जरा तीखा रहता ना खिचड़ा तो अच्छा लगता, 6-7 हरी मिर्ची हमने लिए। 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, 1 चम्मच भर के धनिया है, 1 चम्मच भर के कुटा भुना जीरा है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेज है, और ये देखो ये पूरी दाल, ये चावल, ये सबको हम उबाल के ये करके रखेंगे, उबालेंगे और आपको बताएंगे। गेहूं रात को भिगा के रखे हैं, उसमें डालेंगे और उबालेंगे। 2 मग भर के 2 लीटर पानी डाल के 1 चम्मच हल्दी डाल के हमने दाल को उबाले। अभी इसको घोट रहे हैं, देखो इसको अच्छे से घोटेंगे, पूरा ये करेंगे, ये देखो पूरा मिक्स करेंगे, ऐसे घोटेंगे, ऐसे घोटेंगे। तेल डाले, अब ये पूरा गरम मसाला जीरा डालेंगे और ये तेज पत्ता डालेंगे। अब ये प्याज डालेंगे, अभी इसके अंदर नमक डालेंगे, प्याज डाले ना, अभी नमक डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हमने दाल में नमक नहीं डाले हैं, दाल में सिर्फ ये किए हैं, हल्दी डाल के उबाले हैं पूरी दाल। और गेहूं ऐसा तो जव सफेद जव आते हैं बाजार में, वो लेने के और करने का बनाने का खिचड़ा। अगर नहीं है जव तो गेहूं भी चलेंगे, लापसी भी चलेगी। हमने गेहूं रात को भिगा के रखे थे, अभी हमने उबाले दाल के साथ, एकदम अच्छे उबल गए, अच्छे उसको घोटे भी। अभी इसको जरा प्याज को नरम होने देंगे, कलर बदली होने देंगे। प्याज का कलर बदली हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। अभी ये मिर्ची को हमने बीच में काट के लिए हैं, क्योंकि ज्यादा डाले। अभी ये भुनने को अच्छे से रखते हैं, क्योंकि ये जाने तक अच्छे से भुनेंगे इसको। और अभी भुनने के बाद मसाले डालेंगे, ये देखो अभी अच्छी खुशबू आ रही है एकदम फर्स्ट क्लास। अभी हम पूरे मसाले डाले, इसमें हल्दी भी रखे हैं, हल्दी भी डाले, ये देखो अभी इसको अच्छे से भुनेंगे। और ये मटन मसाला भी डाले, ये देखो अभी इसके अंदर कोथमीर भी डालेंगे और थोड़ा पुदीना भी डालेंगे। अभी इसको भुनेंगे, अब इसमें गोश्त डालेंगे, गोश्त डाल के ये देखो 1 मग भर पानी डालेंगे, क्योंकि दाल हमने गेहूं सब उबाल के लिए हैं। 1 मग भर पानी बस हो गया, 3 सीटी में हो जाएगा गोश्त। अभी हम ये गोश्त डाल रहे हैं, अच्छे से मसाले में भून के लेंगे एकदम फर्स्ट क्लास। अभी गोश्त का पानी छूटेगा और 1 मग पानी डालेंगे 1 लीटर, तो उसी में गोश्त पक जाएगा। हल्दी हल्दी एकदम फटाफट खिचड़ा बन जाता है, खाली तैयारी होना जरूरी है। तैयारी रहती है ना तो जल्दी जल्दी बनता है, कुछ तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ कुछ होती नहीं है। कल 10वां दिन है, खिचड़ा बनाओ, शरबत बनाओ, हमने दिखाया वैसा। और मेरे किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बजाओ। अभी ये पूरा पानी डालेंगे, ये देखो ये पानी डालेंगे, 3 सीटी 4 सीटी लेंगे गोश्त गलने तक। अभी इसको मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाएंगे और 3-4 सीटी लेंगे और फिर आपको
गोश्त एकदम गल गया, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी हम आपको बता रहे, तोड़ के बता रहे। ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास गोश्त गल गया। ये देखो अभी इसके अंदर पूरी दाल हमने ये की है वो मिक्स करेंगे और फिर उसको 2 मिनट पकाएंगे। ये देखिए पूरी घोटनी से हमने दाल को घोट दिए, गेहूं भी अंदर घुट के हो गया। अभी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, आपको घोटनी बता रहे हैं। मेरी बच्ची ने अफ्ता किचन में वो हैदराबाद से घोटनी लाई, एकदम लंपी अच्छी फर्स्ट क्लास घोटनी है। ये देखो ये घोटनी से हमने घोटे और इससे घोटे, अभी देखो मिक्स कर रहे, इसी से मिक्स कर रहे एकदम फर्स्ट क्लास। अभी इसको 2 मिनट पकाएंगे फिर सब करके बता देंगे। खिचड़ा बन के तैयार है एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो अभी हम इसको सब करके आपको बता रहे। तो हमने मटन खिचड़ा बनाए एकदम फटाफट बन गया फर्स्ट क्लास। रात को गेहूं भिगाए और सुबह उठ के सब फर्स्ट क्लास बनाए, फटाफट बन गया। ऐसा बना हमारे तरीके से। और मैं किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बजाओ, रोज की मेरी नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज।